वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से वैज्ञानिक सर्वे कराने से जुड़े वाराणसी जिला जज के आदेश के विरुद्ध अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी की याचिका पर आज यानी कि 3 अगस्त गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। ज्ञानवापी ASI सर्वे जारी रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पहले वाराणसी जिला जज के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी और हाई कोर्ट को सुनवाई का आदेश जारी किया था। हाई कोर्ट में 25 से 27 जुलाई तक मामले को लेकर सुनवाई भी की गई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि फैसला आने से पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल कर दिया गया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल इस हलफनामे में न्यायालय से अपील की गई है कि वाराणसी जिला अदालत के सर्वे कराने के फैसले और हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की जाए। इसके लिए 1957 के जनरल सिविल रूल के नियम 17 का हवाला भी दिया गया है। कमेटी का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान नकवी का कहना है कि जनरल रूल सिविल के नियम 17 के मुताबिक ASI सर्वे के लिए होने वाला खर्च एडवांस में उस पक्ष की ओर से जमा होना चाहिए था जो पक्ष सर्वे चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हिंदू पक्ष की अपील और वाराणसी जिला अदालत का ASI से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश रद्द किया जाए। साथ ही कमेटी का ये सप्लीमेंट्री एफिडेविट बुधवार देर शाम मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस प्रिंतिका दिवाकर की पीठ को दिया गया था। ज्ञानवापी के ASI सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने लगातार 3 दिन सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें और ASI के अफसर का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था। आपको बता दें कि जुलाई महीने की 21 तारीख को वाराणसी के जिला जज ने ज्ञानवापी परिसर में वजूखाना और शिवलिंग छोड़ बाकी की जगहों के ASI सर्वे कराने का निर्देश जारी किया था। इसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी थी और फिर सलाह दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितेंद्र सिंह विसेन और अन्य की तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई है कि परिसर को सील कर वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोका जाए। अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से इस याचिका को दायर किया गया था। देखना होगा कि आज कोर्ट में इसका फैसला क्या आता है। क्या ASI सर्वे आगे बढ़ता है या वहीं थम जाता है, ये तो आज के दिन में पता लग ही जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।